अच्छा हरे कृष्णा गहित सच्चिदानंद प्रभु कनाडा है फन हार्ट वेलकम है मां को दे तो यूरोपा टूर डिसिपल फन टीचर स्वामी शीतो गहिले बोल गॉड सिस्टर एंड ब्रदर्स एंड हम शीतो लाते नो मेयर we zijn heel blij om satsang met hem te mogen doen. Zo'n bijzondere toegewijde. Hij vraagt of we een beetje naar voren kunnen komen, zodat we een beetje meer contact met elkaar kunnen maken. Dus het kan met tafel, met stoel en dergelijke. Oké. Okay. Hij gaat een lezing in het Hindi geven met vertaling door Indumati, geloof ik daar. En, Michel Prabhu voor Sachinandan, geloof ik, hè? Ja. Is het goed? Is het goed zo, Prabhu? Is het Engels? Ja, so if there is the translation can be done in the back and I will be speaking in Hindi, you can come in the front. All those people should move in the front. Daddy, maybe you can go back there for the Hindi for translation. Hare Krishna. ये बीच में से उठा लेना चाहिए भगवान के सामने ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अभी कोई आएगा इसी हाँ लेकिन फिर भी इट लुक्स मैसी
Thank you.
श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जय। बोलो श्री समावेद गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू पतित पावन निताई गौर सुंदर टेबल टेबल टेबल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण अरिष्ठाय हृदय शिव देव भक्ति विदार सारण करा। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चरिष्ठा वंशाकल्पतरो कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सो श्याम सुंदर प्रभु सिंस वी हैव सम अदर डिवोटीज शैल आई एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश हिंदी में लेक्चर Lincoln, what about those? There are four people that I see that are not understanding Hindi, I'm assuming. My question is very simple. How many of you all understand English? Aap English nahi samajhte? Nahi. Aap bhi nahi? Nahi. Achha. So who is translating in the back? Two person aate hain. They are you are both translating. So Hindi mein kare? हाँ हिंदी हिंदी में करें। वो हिंदी से डच में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। आप हिंदी में लेक्चर दें। ठीक है, तो भगवत गीता दीजिए। आपको सर्वधर्मान प्रीति जो पे बात करना था, मुझे ये बताया गया था सब्जेक्ट मैटर। भगवत गीता is English or Hindi? Dutch. Thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो सबसे पहले सारे भक्तगण को, वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पर जितने भी मौजूद, और सारे जो डनहैक के श्री कृष्ण धाम के भक्त जनों को मेरे धनवत प्रणाम।
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरे श्रील प्रभुपाद को और आचार्य गुरुवर्ग को, हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग को। और मैं ऐसी कृपा मांगता हूं कि जो भी शब्द मेरे मुख से निकले वो हमारे आचार्यों को प्रसन्न करे, हमारे गौर निताई जी को प्रसन्न करे और आप सब वैष्णवों को प्रसन्न करे। यद्यपि अगर कोई त्रुटियां हैं तो वो मेरी गलती होगी तो मुझे क्षमा कर देना, और यद्यपि आपको भी थोड़ी सी भी प्रसन्नता मिलती है तो वो प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्हीं की वाणी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे आचार्यों की जो वाणी है, जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ है उस हिसाब से मैं आपको प्रयास करूँगा बताने का। तो मुझे बताया जा रहा था कि आज जो है शरणागति क्या है उसके ऊपर कुछ व्याख्या करें, भगवान की शरणागति क्या है, कैसे भगवान को शरण होते हैं और शरणागति का क्या हमें लाभ मिलता है। तो ये इसके ऊपर हमारे पास, तो आप लोगों ने ये सब श्लोक तो सुना ही होगा भगवद गीता का, जिनको मालूम है मेरे साथ आप लोग दोहरा सकते हो, बोलिए सर्वधर्मान शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है और 66वां श्लोक है। वैराग्य की जो परिकाष्ठा है, ये अध्याय के अंदर भगवान ने ये बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन किया है। बहुत सुंदर श्लोक इस गीता का कह सकते हैं कि सार है, बहुत 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 ही अद्भुत और बहुत सुंदर श्लोक है। इसको हमें अगर अच्छी तरह हम समझ सके तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है हम कभी भटकेंगे नहीं। अक्सर हमने देखा है जीवन के अंदर जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं या किसी भगवान के ऊपर, कोई भगवान के ऊपर भरोसा करता है तो हमें कई मार्ग मिलते हैं, कई प्रकार के मार्ग। जैसे कि कोई देवी देवताओं की उपासना करता है, या उससे भी पहले अगर, यद्यपि कहूं कि अगर कोई भगवान में ना भी माने या देवी देवताओं ना भी माने तो वो उसका धर्म समझता है कि उसकी उसका धर्म है अपने शरीर की तरफ, अपने शरीर को अच्छा रखना, तंदुरुस्त रखना, ये एक धर्म बन जाता है। अपने शरीर को अच्छी तरह संभालने के लिए पैसा कमाना, और फिर जो उसका शरीर से जो लोग निकलते हैं, यानी कि अपने पुत्र है, पुत्री है, अपने परिवार है, उनकी देखभाल करना, ये एक धर्म है। फिर और धर्म ये भी है कि कई लोग समझते हैं कि मैं अपने परिवार का तो ख्याल रखता हूं, अपना भी ख्याल रखता हूं, लेकिन मुझे अपने समाज का ख्याल रखना है, जिस समाज में मैं बड़ा हुआ हूं, सोसाइटी में, और ये एक धर्म बन जाता है। और एक धर्म ये भी बन जाता है कि समाज की सेवा करें। फिर हम जिस देश के अंदर है या जिस जिले में है, जिस राष्ट्र में है, उसकी सेवा करना, तो ये भी एक धर्म है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है धर्म की। जैसे कि पॉलिटिशियंस है, वो सोचते हैं कि देश की सेवा या शहर की सेवा करना ये उत्तम है, यही हमारा धर्म है, इसलिए वो बार बार जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि मुझे आपका सेवक बनना है इस शहर का, या मुझे सेवक बनना है इस देश का,
मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे वोट कर कीजिए, वोट दीजिए, ये मेरा धर्म है। तो धर्म की कई प्रकार की व्याख्याएं हैं। अब हम आते हैं उन लोगों पर जो अपने से ऊपर किसी को समझते हैं, कोई ऊंचा पावर समझ लो, ऊंची हस्ती, जैसे कि कोई देवी देवता की उपासना करता है, कोई स्वयं अलग अलग प्रकार के धर्म के होते हैं, पंथ के होते हैं, तो कोई यीशु क्रिस्त में मानता है, तो कोई अल्लाह में मानता है, कोई यहोवा में मानता है, यद्यपि अगर वो हिंदू है तो अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, उनकी आस्था उसमें है, तो वही उनका धर्म बन जाता है। कोई हनुमान जी की उपासना करता है तो वो सोचता है कि मैं हनुमान का भक्त हूं, यही मेरा धर्म है। कोई गणेश जी की उपासना करता है, वो सोचता है कि यही मेरा धर्म है, गणेश जी मेरे इष्ट देव है। कोई जीसस क्राइस्ट की उपासना करता है तो सोचता है कि यही मेरे भगवान है, यही मेरा धर्म है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के धर्म लोगों ने जो है अपनाए हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सारे जितने धर्म हैं जो इसकी व्याख्या मैंने की है, अपने शरीर से लेकर देवी देवताओं की उपासना करना, ये सारे जो है हमारे जो धर्म है वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है, वो नित्य नहीं है। और जिसे हम धर्म समझते हैं और नित्य मान के हम चलते हैं आजीवन, सारा जीवन, तो अंतिम में क्या होता है कि मृत्यु आती है। और मृत्यु आने के बाद क्या होता है कि हमारे कर्म के अनुसार हम, जैसी हमारी स्थिति है उस तरह हमें दूसरा जन्म मिलता है। भगवान कहते हैं इसी भगवद गीता के अंदर कि यम्यम वापि स्मरणम भावम तजेते अंति कलेवरम, जैसे आपकी जो भी चेतना है उस तरह से आप जो है आपकी गति उस प्रकार से होगी, आपको उस प्रकार से शरीर की प्राप्ति होगी। तो यदि भी अगर आपको पैसा, धन, अपना शरीर, अपना मकान, अपनी पत्नी, अपने जितने भी सगे संबंधी, या अगर आपको किसी लोक कल्याण के जो जैसे राजनीति में होता है उसमें अगर आपकी रुचि है, तो अंतकाल में यही सब चीजें आपको स्मरण होगा, यही सब चीज की चेतना होगी। और अंतकाल में जब ऐसा होगा तो फिर आपको उस तरह से नया शरीर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर मिले। यद्यपि हमने हमारा जीवन जानवरों को मारने में, जानवरों को खाने में और कई प्रकार के नाना पाप करने में अगर हमने गुजारे हैं, तो हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि है भगवान की प्रकृति में, तो उस प्रकार से हमें शरीर मिलेगा। तो धर्म की जो व्याख्या है वो बहुत गुह्य है, कि हमने नाना प्रकार के टेम्पररी धर्म की व्याख्या की थोड़ी देर पहले। धर्म क्या है, ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है कई लोगों के मन के अंदर, और कई बार हम समझने का प्रयास करते हैं लेकिन ना हमें मौका मिला है, ना हमने मौका पाया है, प्रयत्न किया है कि हम उसकी हम कुछ जिज्ञासा करें। तो धर्म, भगवान कहते हैं शास्त्र के अंदर, व्यासदेव जी कहते हैं कि धर्मस्व तत्व निहितम गुह्यम। बोलिए, ये श्लोक बहुत अच्छा है, बोलिए, धर्मस्य तत्व निहितम गुह्यम महाजन जेन गतस्य पंथः। तो धर्म क्या है, असली धर्म, ये जो व्याख्या है मैंने पहले की वो टेम्पररी है, अनित्य है, लेकिन नित्य धर्म क्या है। धर्मस्य तत्व निहितम गुह्यम, ये धर्म का जो तत्व है, फिलोसॉफी है, वो बहुत गुह्य है, इट्स अ सीक्रेट। और उसको समझने के लिए हमें महाजन जेन गतस्य पंथः, महाजन जितने भी हैं, महाजन किन किन को दिया है,
महाजन का अर्थ हुआ, बहुत सरल है जो हिंदी समझते हैं, महा मतलब ग्रेट, जो बहुत ही महान है, और जन मतलब व्यक्ति, वो जीव। तो वैसे नित्य 12 महाजन है, कितने? 12 महाजन। हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर वेदों में बताया है कि सबसे पहले महाजन कौन है, तो ब्रह्मा जी, नारद जी, हाँ फिर वेद व्यास जी, फिर सुखदेव गोस्वामी, ऐसे करके भीष्मदेव, जनक महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, तो ये सारे महाजन हैं। ऐसे करके 12 महाजन हैं। वो जानते हैं कि धर्म क्या है, उन्होंने पी गए हैं, उन्होंने शास्त्र जो है अपने जीवन के अंदर पी गए हैं, उनको महाजन कहते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, उनको भी महाजन की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पिया हुआ है और वो शास्त्र हुए, शास्त्र के अनुसार वो जीते हैं अपना जीवन। उनको महाभागवत भी कहते हैं। एक तो होता है ग्रंथ भागवत और दूसरा होता है जो महाभागवत जो है, वो जो ग्रंथ भागवत को जिन्होंने अपने जीवन के अंदर आचरण में उतारा है और समझ लिया है और वो तत्व को पूरा समझते हैं, वो समझते हैं कि कौन हम है, हमारी गति क्या है, हमारा संबंध भगवान से क्या है और भगवान कौन है, ये सारी चीजें उन्होंने और ना ही अपने जीवन में उतारते हैं, ना ही अपने जीवन में वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबको वो सिखाते भी हैं। तो धर्मस्य तत्व निहितम गुह्यम, धर्म जो है उसका तत्व बहुत गुह्य है, हरेक कोई समझ नहीं पाता। कई लोग प्रवचन करते हैं, चाहे वो चर्च के अंदर हो, मस्जिद के अंदर हो, हिंदू मंदिरों के अंदर हो, लेकिन वो लोग सच में पूछे तो बहुत कम लोग हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। तो महात्मा, ये भी यहां पर शब्द प्रयोग किया है, महाआत्मा, ग्रेट सोल, महाजन, ये सारे जो है बहुत कम है। बहुनाम जन्म नाम अंते, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद उसमें से कोई एक होता है जो मुझे कोई समझ सकता है, जो धर्म क्या है वो समझ सकता है, ये गुह्य है। और जब तक हम महाजन को नहीं, हम उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ते, उसका पीछे दौड़ने का मतलब ये है कि जिन्होंने, जैसे कि प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता क्या है, ये इसकी व्याख्या एज इट इज, डच में क्या बोलते हैं इसको, धीरे से, सो हाउस सहिस, सो हाउस सहिस, भगवत गीता एज इट इज, कहने का मतलब ये हुआ कि महाजन जेन गत सपंता, या वहां भटकने से हमें कोई धर्म की ठीक व्याख्या नहीं मिलेगी। हमें पढ़ना है, सुनना है, हाँ, जिन्होंने धर्म जाना है। अब इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको लोग गुरु बना देते हैं और उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं, और गुरु की भी चांदी और चेले की चटाई, कहने का मतलब है गुरु को मिलते हैं पैसे और चेला होता रहता है साफ, हाँ। तो जिसको ऐसे गुरु मिला उसका दुर्भाग्य। गुरु लेना बहुत, उसको बहुत आपको जांच करके, परोख करके लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं गुरु कैसा लेना चाहिए, तो बोलते हैं कि तद्वित्ति प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भक्त के संग में आना, प्रश्न पूछना बड़े विनम्रता से, और तत्वों को जानने का प्रयास करो। और जो ज्ञानी है, जिन्होंने तत्वों को देखा है, तत्व दर्शन, जो धर्म जानता है, उसको अगर आप मिलते हो तब आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तब जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको संतुष्टि होती है, तब आप जाकर के प्रणिपात करके उनको आप गुरु मान सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्य, हमारा सौभाग्य इतना है कि यहां पर अगर किसी ने मान लो दीक्षा भी नहीं ली है तो कोई बात नहीं,
जब तक हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं और प्रभुपाद जी की हम उनके ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा कभी ना कभी होगी और कभी ना कभी प्रभुपाद जी स्वयं हमें अच्छे गुरु हमें भेज देंगे। ये एक उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फैशन की बात नहीं है कि मुझे गुरु लेना ही है। हाँ, अगर ये इस साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, इस जीवन में भी नहीं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आप ऐसे भक्तों का संग करो जो आपके सही मार्गदर्शन दिखा सके, जो प्रभुपाद जैसे महाजनों के वाणी को प्रचार करते हैं और उस वाणी का आप लाभ लो अपने जीवन के अंदर, उसको समझो, तब आप भटकोगे नहीं। धर्म जो है वो गुह्य है। अब हम सोचते हैं भगवान ये क्यों कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये एक एक शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा अंदर आपको गुह्य चीजें बताने का प्रयास करूंगा, अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान कहते हैं, शुरू करते हैं श्लोक से, अर्जुन से कहते हैं ये सारे 18 अध्याय गीता के अंदर, तो भगवान ये मोस्टली गीता के अंत में ये बताते हैं। अगर शुरुआत में प्रभु भगवान ये बताते भगवत गीता में अर्जुन, ये अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने लगभग 45 मिनट्स पौने घंटे में सारी भगवत गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र पे। जब अर्जुन के समक्ष जब कुरुक्षेत्र का जो कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन छाती तान के कृष्ण से कहा, हे केशव, ऐसी जगह मेरा रथ खड़ा करो ताकि मैं सारे जो है रण के अंदर सारे सिपाहियों को, राजाओं को, सबका मैं निरीक्षण कर सकूं कि कौन मेरे साथ योद्धा है, उनको मुझे देखना है। वो बड़ा क्षत्रिय उसमें भाव था, बड़ा क्षत्रिय जो उसके स्पिरिट था। तो भगवान बड़े मंद मंद मुस्कुराए और आप तो जानते हो वो सारथी है, उन्होंने ऐसी जगह खड़ा कर दिया जिसके जस उसके सामने उनके भीष्म पितामह, जो उनके पर दादा थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके कुल गुरु कृपाचार्य, बड़े वरिष्ठ जो वंदनीय थे, द्रोणाचार्य आदि, जिन्होंने अर्जुन को स्वयं धनुर्विद्या आदि सिखाया था, उनके सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने जब अर्जुन ने यह देखा, अरे वाह, ये तो मेरे परदादा है, मैं उसके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा, ये तो मेरे गुरु कुल गुरु है कृपाचार्य, ये तो द्रोणाचार्य, उन्होंने तो मुझे ये दान दिया ये विद्या को, और उसी के ऊपर विद्या में चलाऊं। और फिर मन में ऐसा भाव आया कि ये सारे जितने भी मेरे सामने खड़े हैं ये तो मेरे चाचा के लड़के हैं, ये मेरे भाई हैं। तो एक उसके मन के अंदर ऐसा विचार आ गया, तो ये युद्ध मेरे लिए करना तो अनिवार्य नहीं है, मैं चला जाता हूं, उनको अगर चाहिए सब कुछ दे देते हैं, मैं चला जाता हूं वन के अंदर, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं ये खून खराबा नहीं करूंगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं ये खून खराबा नहीं करूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेके साधु बन जाओ, क्या फायदा लोगों का खून, अपनों का खून बहा के हैं, अगर राज्य मिल भी गया तो उसमें क्या कीमती है, कौन सी बड़ी बात है, कितने लोग, कितनी महिलाएं विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो ये कितना अच्छा भाव है अर्जुन का, अगर यद्यपि अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो बोले ये तो बात बिल्कुल सही है कि देखो कैसे 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 अच्छे अच्छे विचार के ये सात्विक भाव के हैं। तो कोई भी यद्यपि अगर साधारण व्यक्ति होगा तो यही सोचेगा, ये बात तो बिल्कुल सही गई। और फिर वो कांपने लगा, जो छाती तान के ऐसे उसका गांडीव, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, कमान,
और जो उसका जो बो को क्या बोलते हैं, धनुष बाण लेके ऐसा खड़ा था, वो धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे और वो बैठ गया रथ के ऊपर, इतना बड़ा योद्धा अर्जुन। और फिर भगवान से पूछा, इसको बंद कर दीजिए प्रभु। गांडीव, उसका गांडीव बाण जो है हाथ से फिसल गया और वो कांपने लगा, उसको पसीना छूट गया और वो बड़ी धीरे धीरे आवाज में ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा है, भगवान से कह रहा है कि हे केशव, आप ही मुझे मार्गदर्शन करो। हाँ, शादी माम प्रपन्नम शिष्यस्ते अहम्, मैं आपसे अभी मैं विनती करता हूं कि आप मेरे मित्र नहीं, आपको मैं गुरु बनाता हूं और मैं आपका शिष्य बन गया हूं, तो आप मेरे पे कृपा करें और मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए अब इस अवस्था के अंदर। तो जब तक उसने ये नहीं कहा तब तक भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश शुरू नहीं किया। गीता का उपदेश तब शुरू हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना और गुरु ने यानी कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य माना। तो उन्होंने गीता का सारा ज्ञान देना था तो यही श्लोक बता देते, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये एक मिनट भी नहीं लगता ये श्लोक बोलने में और बस खत्म हो गई बात, अभी करो लड़ाई। लेकिन ये सारे 18 के 18 अध्याय इस श्लोक तक ले आने के लिए, अर्जुन को हमें समझाने के लिए, अर्जुन के माध्यम से ये गीता का, जिसमें भगवान ने कई प्रकार के ज्ञान दिए हैं, कर्म योग दिए हैं, ध्यान योग दिए हैं, हाँ आदि नाना प्रकार के, ताकि इस स्टेज पे आ सके। अगर कोई व्यक्ति हमारे अपने जीवन में भी आप देखिए कि कोई बच्चा होता है, उसको अगर आपको कुछ बहुत बड़ी चीज समझानी होती है तो आप धीरे 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 उसको बनाएंगे और फिर उसको समझाएंगे, या फिर एक जो अबोध होता है इग्नोरेंट पर्सन, जैसे कि कोई अगर मान लो कोई बहुत ड्रग्स करता है या बहुत शराब पीता है, आप उसको बोलो कि भाई छोड़ दो अभी का अभी, तो कभी छोड़ पाएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उसको धीरे धीरे प्रेम से उसको सिखाओ कि भाई देखो, दारू पीने से तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, आप ऐसा करो आप रोज एक बोतल पीते हो, आप ऐसा करो मेरे लिए अभी आप आज से थोड़ा कम कर दो, हाँ और कम कर दो, तो एक आध महीने में शायद पूरा छूट जाए धीरे धीरे स्टेजेस में। तो ये स्टेज में आने के लिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। यही बात अगर हमें कोई अगर मंदिर में आते हैं, यही बात अगर हमें पहले दिन में कोई बता देते हैं तो क्या हम शरण हो पाएंगे? नहीं। इसीलिए तो हम सत्संग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम प्रवचन सुनते हैं, इसीलिए तो हम भगवान श्री विग्रह की हम आरती आदि करते हैं, इसीलिए हम माला जप आदि करते हैं, ताकि हम इस शरणागति के तक हम पहुंचे। ये प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस बनाया है बहुत सुंदर है, और जब हम परिपक्व हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि ये श्लोक का असली अर्थ क्या है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान का अर्थ हुआ कि ये जितने भी धर्म हमने बनाए हैं छोटे मोटे, शरीर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और हमारे संबंधी है, सगे है, समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, इसमें सारे जो धर्म बोलते हैं सर्वधर्मान, ये सारे धर्म जो है नाना प्रकार के, उसको आप परित्यज्य मतलब आप उसको छोड़ दो। अब मन में ये विचार आ रहा है कि ये तो फिर कैसे घर बार चलेगा, अगर आप कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दिया, चलो वृंदावन बैठ जाओ पूरा दिन 24 घंटा, नहीं इसका मतलब ये नहीं हुआ। समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें बहुत, ये दो शब्दों के ऊपर ही हम पूरा क्लास दे सकते हैं, लेकिन समय कम है तो कोशिश करनी है कि मैं जितना बता सकूं। इसमें बहुत सारे गुह्य चीजें हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये हुआ कि मेरी शरण में जब कोई आता है उसका मतलब यह है कि जो कुछ भी वो करता है वो मेरे लिए करता है। समझने का प्रयास कीजिएगा कृपा करके। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कि कोई शरण में आता है, शेल्टर लेता है, तो मतलब वो आपका हो गया, वो आपका हो गया, जैसे आप बोलोगे वैसा वो करेगा। तो भगवान ये कहते हैं, शरण का अर्थ ये भी हुआ कि अगर हमारे पास परिवार है, हमारे पास छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमें हमेशा चालू रखनी है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो बदलनी है। चेतना कैसे बदलनी है? हमको ये सोचना है कि ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा ठाकुर जी का है। ये अगर काम कर रहा हूं तो मेरे परिवार के मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये परिवार मेरे ठाकुर जी ने मुझे दिया हुआ है। ये चेतना होनी चाहिए। तो आप सर्वधर्मान परित्यज्य के कैटेगरी में आ गए। यद्यपि आप कमा रहे हो, आप पैसा बच्चों को खिला पिला रहे हो, उनको स्कूल भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यद्यपि कोई स्टूडेंट है अच्छी पढ़ाई करना चाहता है तो बिल्कुल करे। और वो यही प्रभुपाद जी भी एनकरेज करते थे कि यस यू बिकम PhD। समाज के अंदर जितनी अच्छी डिग्रियां हैं, जितने अगर आप अच्छे वरिष्ठ बनते हो तो आपकी उसकी वैल्यू है, और जब आपकी वैल्यू है तो जब आप कृष्ण की कोई भी बात बताते हो तो वो आपकी बात जल्दी सुनने के लिए तैयार होंगे लोग। और उसी में से अगर आपको अच्छे एजुकेशन से अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस भी मिलता है तो वो पैसा जो आता है, लक्ष्मी जो है वो विष्णु के चरण में, कृष्ण के चरण में उसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो भी हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने हमारे मित्र हैं, अगर आप सचमुच में उनको प्यार करते हो, सचमुच में आप उनको, तो आप उनको दो सब कुछ अच्छा, दो वो आपके पास पैसा है तो उनको अच्छे कपड़े दो, अच्छी चीजें दो, लेकिन साथ साथ में कृष्ण की भक्ति जरूर दो। उसको बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप इतना समर्पण समझते हो तो भगवान धीरे धीरे उनको जिन जिन की आपकी ये जो एक्टिविटीज है, बच्चों का ख्याल करना, परिवार का ख्याल करना, वो आपका एक समय आएगा जब भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाई है, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग है, तो चार वर्ण और चार आश्रम है भगवान ने उसीलिए बनाया है कि धीरे धीरे हम उसको एक ग्रेजुएट हुए और हम शुद्ध भक्ति की ओर आए। तो उसमें हमारे चार वर्ण और चार आश्रम कौन से? चार आश्रम ये है कि ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ शादी करना, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो ये चार आश्रम धीरे धीरे, लेकिन चारों के चार के शब्द क्या है लगते हैं? आश्रम। चाहे आप ब्रह्मचारी हो उसमें भी कृष्ण बीच में, चाहे आप गृहस्थ हो उसमें भी कृष्ण बीच में, चाहे आप वानप्रस्थ हो या संन्यास भी हो, आश्रम है ये शब्द का। आप देखिए जो प्रयोग करते हैं हमारे जितने भी वरिष्ठ आचार्य हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण, एक एक शब्द के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मतलब होता है, मीनिंग होता है उसके पीछे। और ऐसा भी स्टेज आएगा जब सर्वधर्मान मतलब ये आश्रम भी परित्यज्य कर सकते हो आप, और आप ऐसे स्टेज पे आ सकते हो जैसे हमारे संन्यास स्टेज होता है, या उससे भी ऊपर स्टेज होता है, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे जो षड गोस्वामी है वो बाबा है, वो इन चार आश्रमों से भी पर है, चार आश्रम सोसाइटी के हैं।